नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, औरतों की मुश्किलें, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो एक व्यवस्था बनाई हुई है औरतों के लिए, उसमें खुद ब खुद उसके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। मेरी बात हो रही थी मेरी एक दोस्त से, ये जो ट्रिपल तलाक है इस पर भी बात हो रही थी, और जो उनके धर्म के अनुसार तलाक देने की प्रथा है उस पर वो बात कर रही थी। तो उसने कहा कि ये एक लंबी बहस का विषय है, बस ये समझ लो कि शादी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर तलाक लेने का कभी मौका आ जाए तो बड़ी दिक्कतें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तलाक़े हस्म के माध्यम से मुस्लिमों में तलाक देने की प्रथा 3 तलाक की तरह नहीं है, और महिलाओं के पास भी खुला का विकल्प है। इस्लाम में एक पुरुष तलाक ले सकता है, जबकि एक महिला खुला के माध्यम से अपने पति से अलग हो सकती है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग भी है। पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो के बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो मैं बात कर रही थी तलाक़े हसन की। जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा है कि अगर पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते हैं तो रिश्ता तोड़ने के इरादे में बदलाव ना होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि शीर्ष अदालत तलाक़े हसन और एकतरफा न्यायेतर तलाक के सभी अन्य रूपों को अवैध तथा असंवैधानिक घोषित करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, और याचिका में दावा किया गया है कि तलाक के ये तरीके मनमाने, असंगत और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो मैंने आप शुरू में ही आपसे बताया था कि शादी करना बहुत आसान है मुस्लिम समाज में, और तलाक लेना उसके लिए बहुत सारे मुश्किलें हैं। शायद से ये मुश्किलें इसलिए भी रखी गई होंगी कि लोग साथ साथ रहें। तलाक एक आखिरी ऑप्शन होता है जिसमें शादी टूट जाती है, और उस शादी को बनाए रखने के लिए सारी मशक्क़त होती है, लेकिन अगर शादी टूटने पे आ जाए तो फिर तलाक ही एक रास्ता बचता है। लेकिन तलाक लेने से पहले, तलाक देने से पहले बहुत सारी प्रक्रिया है। मैं आपको बताती हूँ कि तलाक़े हसन क्या है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग तलाक़े हसन को शादी तोड़ने का एक तरीका माना गया है। तलाक़े हसन में कोई भी मुस्लिम मर्द अपनी पत्नी को 3 महीने में 3 बार किस्तों में, आप गौर कीजिए, 3 महीनों में 3 बार किस्तों में, यानी कि अलग अलग करके तलाक दे सकता है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी मुस्लिम शख्स ने अपनी पत्नी को जनवरी के महीने में तलाक बोला तो ये तलाक नहीं माना जाएगा। अगले महीने फरवरी में पति अपनी पत्नी को फिर से तलाक देगा, जिसके बाद दोनों में साथ रहने की फिर भी एक गुंजाइश बची रहेगी, और इसी बीच अगर दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होता तो 3rd महीने यानी कि मार्च में एक बार फिर आखिरी बार तलाक देगा। तलाक़े हसन के अनुसार ही आखिरी तलाक होगा जिसके बाद दोनों के बीच में शादी खत्म हो जाएगी। हालांकि इन 3 महीनों में अगर दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है तो उन्हें एक बार फिर से निकाह की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों का तलाक हो गया है तो फिर शादी टूटी हुई मानी जाएगी, और तलाक का रूप वर्षों से आलोचना का विषय रहा है। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने इसे समाप्त करने के लिए
अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए ये बहुत मुश्किल है, ये महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। अब ये बात जो मौलवी लोग हैं उनको समझ नहीं आती है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सही भी हो सकते हैं, शायद से शादी बचाने के लिए ये सारी जो नियम है ये बनाए गए हैं। इस्लाम में तलाक के तीन रूप है, तलाक के एहसान, तलाक के हसन और तलाक के बिद्दत। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ तलाक के एहसान की। तलाक के एहसान को शादी भंग करने का सबसे अस्वीकृत तरीका माना जाता है। तलाक के एहसान के तहत पति को भी एक वाक्य में तलाक का उच्चारण करना होता है जब पत्नी मासिक धर्म के समय से ना गुजर रही। तलाक के एहसान में पति एक तरफा तलाक देता है। अब जानिए कि तलाक की बिद्दत क्या है। तलाक की बिद्दत यानी कि तीन तलाक भी शादी तोड़ने का एक माध्यम है, लेकिन इसे भारत में अब अपराध माना जाता है। इसमें पति सिर्फ एक साथ तीन बार तलाक कह देता है तो वह तलाक मान लिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि पति चाहे फोन पर, चाहे सामने बोल करके, चाहे लिख करके तलाक दे सकता है इसमें। और खुला क्या है, ये भी इस्लाम में तलाक की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए पत्नी अपने शौहर से तलाक ले सकती है। तलाक की तरह खुला विवरण भी कुरान और हदीस में है, उसमें लिखा हुआ है। उसके अनुसार खुला में पत्नी तलाक लेती है, इसमें पत्नी को कुछ संपत्ति पति को वापस करनी पड़ती है, इसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बेंच ने ये कहा है कि उस तरीके से तीन तलाक नहीं है। विवाह एक तरह का एक करार होने के कारण आपके पास खुला का भी विकल्प है। अगर दो लोग एक साथ नहीं रह सकते तो हम भी शादी तोड़ने का इरादा ना बदलने के आधार पर तलाक की अनुमति देते हैं। अगर मेहर यानी कि दूल्हा और दुल्हन को जो एक नगद रूप में मिलने वाला उपहार होता है उसे दिया जाता है तो आप आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं हैं पहली नज़र में, हम इसे किसी भी वजह से कोई एजेंडा नहीं बनाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है। और याचिकाकर्ता बेनजीर हिना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन उसे तलाक के हसन के मुद्दे पे फैसला नहीं दिया था। अब ये भी बड़ी पेश की बात है, इसे भी समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी आनंद से ये भी निर्देश लेने को कहा कि यदि याचिकाकर्ता को मेहर से अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो क्या वो तलाक की प्रक्रिया पे समझौता करने को तैयार होगी। एक ऑप्शन था ये, और उसने याचिकाकर्ता से कहा कि मुबारक के जरिए इस अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी शादी तोड़ना संभव है। कोर्ट अब इस मामले पे जो अगली सुनवाई है वो इसी महीने 29 अगस्त को करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये सारी बात जो मैं आपसे कर रही हूँ ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। गाज़ियाबाद की हिना ने सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार और प्रक्रिया बनाने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया है। हिना ने यह दावा किया है कि वह तलाक के हसन की पीड़िता है। विशेष रूप से इसी तरह की एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी एक पेंडिंग पड़ी हुई है, ये याचिका जिसने इस साल जून में दिल्ली पुलिस और एक मुस्लिम व्यक्ति से जवाब मांगा था जब उसकी पत्नी ने उसके द्वारा भेजे गए तलाक के हसन नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर दी थी। तो दोस्तों कुल मिला के जो बात समझ में आती है वो ये है कि तलाक चाहे किसी भी तरीके का हो वो एक आखिरी ऑप्शन होता है जब दो लोग एक छत के नीचे ना रह सकें पति पत्नी। और इसीलिए इसमें इतनी सारी कहना चाहिए कि बैरिगेट लगाए हुए हैं ताकि शादी बची रहे। लेकिन अगर शादी दो लोगों के बीच में होती है
वो अगर तैयार नहीं है शादी बचाने के लिए और कुछ बचा नहीं है शादी में, तो फिर उस शादी में उस शादी को ख़त्म देना, ख़त्म कर देना ही सही होता है। और इसीलिए मैंने आपसे तलाक़ बिद्दत और तलाक़ एहसान, तलाक़ हसन और तीन तलाक में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।